ये लाइव जा रहा हूँ। हम लोग अभी फेसबुक पे लाइव जा रहे हैं। थोड़ा ऑडियो में दिक्कत हुआ था। हम आज दलित पैंथर्स के फाउंडेशन डे पर प्रोग्राम कर रहे हैं कलेक्टिव के तरफ से 38 इयर्स ऑफ दलित पैंथर्स। 72 में दलित पैंथर्स की स्थापना हुई थी इसी दिन पर जब कामातीपुरा बॉम्बे उस समय बॉम्बे के एक इलाके कामातीपुरा में जब दलित पैंथर्स का पहला प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था और उसके बाद दलित पैंथर्स आंदोलन हमारे देश में एक इम्पॉर्टेंट एक मूवमेंट रहा। दुनिया भर में चल रहे अलग अलग मूवमेंट्स से इंस्पिरेशन भी लिए और हमारे देश की जो रियलिटी थी उसको बदलने के तरफ एक पहल थी। आज दलित पैंथर्स के इतिहास को याद करने का मकसद हमको लगा कि जब हम देख रहे हैं कि एक तरफ ब्राह्मणवाद, जातिवाद और ये जो रूढ़िवादी ताकतें हैं फिर से वापस आ रही हैं। लॉकडाउन के चलते तमिलनाडु में एक 13 साल के दलित लड़की का रेप और मर्डर किया जाता है जिसके ऊपर पुलिस तहकीकात नहीं करती। उसके पहले पिछले महीने की बात है कि 7 साल की एक लड़की बिहार में एक ऊंचे जाति के किसी के मकान में एक आम को छूने के इस क्राइम के वजह से उसका कत्ल किया जाता है। और हर केस में हम देखते हैं कि पुलिस इसमें जो दबंग जाती है या जो दमनकारी ताकतें हैं उनके साथ खड़ी होती है। एक हाथ में ऐसे एट्रोसिटीज हो रहे हैं, ऐसे ब्रूटल वायलेंस हमें देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ जो हमारे उच्च न्यायालय है, जो कोर्ट है और जो संविधान में को बचाने का जिम्मेदारी जिनके पास है, हम देख रहे हैं कि कोर्ट में भी एक के बाद एक ऐसे ऑर्डर आ रहे हैं जो सामाजिक न्याय के आइडिया के ही खिलाफ है। आरक्षण को अलग अलग तरीके से खत्म किया जा रहा है। अभी हाल ही में ओबीसी रिजर्वेशन को लेके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टडीज एम्स जैसे टॉप इंस्टीट्यूशंस में भी इतने सालों से ओबीसी रिजर्वेशन इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत ही रिग्रेसिव जजमेंट आता है। उसके पहले SC ST एट्रोसिटीज एक्ट को खत्म करने के लिए, डायल्यूट करने के लिए अलग अलग जजमेंट्स आते हैं। तो ये जो वायलेंस है जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के ऊपर हो रही है, समाज में भी हो रही है और जिसको आज की सत्तावादी ताकतें पूरे तरीके से सपोर्ट कर रही है। RSS BJP के सरकार आने के बाद से हम देख रहे हैं कि लिंचिंग
और गौ रक्षा के नाम पे अलग अलग क्राइम्स बढ़ते गए हैं, और आज ऐसा समय आ गया है जब ये क्राइम के रिलेटेड रिकॉर्ड भी, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है, वो भी हमें नहीं दी जा रही है। तो ये कॉन्टेक्स्ट में दलित पैंथर्स के इतिहास को हम याद कर रहे हैं इतने साल बाद, क्योंकि आंदोलन में जो दिशा दलित पैंथर्स ने दिखाई थी, जो हमको आज भी इंस्पायर करती है, हमारे आंदोलनों को इंस्पायर करती है, एंटी कास्ट स्ट्रगल को इंस्पायर करती है, उस इतिहास को याद करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में, चाहे वो अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर का मूवमेंट हो जो अलग अलग कॉन्टिनेंट में अभी फैल चुका है, जो हिस्टोरिकल ऑप्रेशन रहा है और उसके साथ जुड़ा हुआ जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन रहा है, इसके खिलाफ एक सिस्टेमिक चेंज की मांग हर तरफ से उठने को दिख रही है। और काफी साल पहले ब्लैक पैंथर्स पार्टी से इंस्पायर होकर दलित पैंथर्स पार्टी इंडिया में उसकी स्थापना हुई थी, और वो जो मांग थे पुलिस रिफॉर्म्स लाने का, पुलिस के ताकतों को कम करके यूनिवर्सिटीज, स्कूल, हॉस्पिटल में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के जो मांगे थे, वो आज आम जनता के मांगे बन चुकी है। तो ये ऑर्गेनाइज्ड चेंज का जो प्रोसेस रहा है, उसके हिस्ट्री को समझने के लिए आज हमारे साथ है सुबोध मोरे, एक कल्चरल एक्टिविस्ट जो अलग अलग तरीके से अलग अलग डेमोक्रेटिक राइट्स मूवमेंट, एंटी कास्ट स्ट्रगल्स के साथ जुड़े रहे हैं और ये पूरे इतिहास के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो आज की सभा को शुरू करने के पहले मैं साथी शांभवी और उदिता को बुलाना चाहूंगा कि वो एक गीत रख के आज की सभा को शुरू करें। जैसा शौर्य भी अभी बोला, सर खुद एक कल्चरल एक्टिविस्ट रहे हैं, तो आज दलित पैंथर फाउंडेशन डे मनाते हुए हम लोग एक गीत के साथ ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, दलित पैंथर्स को याद करते हुए। और आज के दिन में उसी तरीके से एक सामाजिक बदलाव की राजनीति को आगे ले जाना है, आंदोलन को आगे ले जाना है, इस स्पिरिट में आज हम इस गाने से शुरू करेंगे प्रोग्राम। गाना एंटी कास्ट मूवमेंट से ही निकला एक गाना है, तोड़ दो जाति की जंजीरें। हजारों सालों से गुलामी बेड़िया चीर कर कहती है चाहिए जो, तोड़ दो जाति की you
मंतों से, भिड़ो सामंतों से, जाति के गुंडों से, धर्म के पांडों को लगाओ जो इसी गीत के इस स्पिरिट के साथ ही आज का सभा हम शुरू करते हैं। अभी मैं बुलाना चाहूंगा सुबोध मोरे सर को। साथी सुबोध लंबे समय से कल्चरल मूवमेंट के साथ जुड़े रहे हैं, वो विद्रोही कल्चरल फोरम के एक्स सेक्रेटरी रह चुके हैं और विद्रोही साहित्य सम्मेलन जो साहित्य में ब्राह्मणवाद और संस्कृति में ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक सम्मेलन आयोजित किया गया था उससे जुड़े रहे हैं। हाल ही में जाति अंत संघर्ष समिति के साथ भी वो कार्यरत रहे हैं और अलग अलग एंटी एट्रोसिटी स्ट्रगल्स रहे हैं उसमें वो भागीदारी निभाए हैं, अलग अलग फैक्ट फाइंडिंग्स में शामिल हुए हैं और हिस्टोरिकली जो लेफ्ट मूवमेंट रहा है, एंटी कास्ट मूवमेंट रहा है, इसकी राइटिंग, इसके कंपाइलेशन में भी उन्होंने अपना भागीदारी निभाया है। अभी वो दलित पैंथर्स के इतिहास पर एक किताब पर काम कर रहे हैं जो उम्मीद है कि लॉकडाउन के चलते अगले साल के अंदर हम सब पढ़ पाएंगे, हमारे साथ साझा करेंगे। तो अभी मैं सुबोध सर को बुलाना चाहूँगा आगे सभा में भी बात रखने के लिए। सभा में बात रखने के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा, तो सभी साथी अगर कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन या कमेंट्स अगर स्पीकर के लिए कुछ हो तो उधर लिखते रहेंगे। साथी सर अगर आप अपना माइक अनम्यूट कर देंगे तो शुरू कर देंगे। हाँ, अभी हो गया, आवाज आ रही? हाँ, आ रही है। शुरू करें? हाँ। दोस्तों शुरू कर रहा हूँ मैं, हेलो शुरू कर रहा हूँ। हाँ दोस्तों, आज कलेक्टिव दिल्ली की ओर से दलित पैंथर के स्थापना दिवस के अवसर पर मेरा ये भाषण जो रखा है उसलिए मैं पहले जो आयोजक है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दलित पैंथर का इतिहास या उसकी हिस्ट्री समझ कर लेना ये मेरे ख्याल से आज के देश के अंदर जो माहौल है उस माहौल के अंदर बहुत ही जरूरत है और उसको याद करते हुए आपने इस विषय पर मुझे बात करने के लिए बुलाया ये मेरे लिए भी खुशी की बात है। दोस्तों दलित पैंथर यह 1972 के अंदर 9 जुलाई को उसकी स्थापना हुई। अभी स्थापना भले हम स्थापना दिवस उसका मनाते हैं मगर जब कोई भी आंदोलन कोई भी मूवमेंट खड़ी होती है उसकी स्थापना होती है तो स्थापना ऐसी होती नहीं है, उसके पीछे कुछ ऐतिहासिक कुछ तथ्य रहते हैं, कुछ घटनाएं रहती है और दलित पैंथर की स्थापना के पहले भी ऐसा ही कुछ घटनाएं कुछ सामाजिक स्तर पर हो रही थी और उसी की प्रेरणा उसी को लेकर दलित पैंथर की उसकी एक फॉर्मली 9 जुलाई को स्थापना हुई है। मगर उसके पहले की जो एक जो कुछ बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं क्योंकि आंदोलन स्ट्रगल संघर्ष जो कोई होता है वो संघर्ष आंदोलन या संगठन या ऐसे ही खड़े नहीं होते हैं तो उसके पीछे एक विरासत रहती है और वो विरासत महाराष्ट्र के अंदर हम अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर 1960-70 का जो दशक है ये दशक के अंदर बहुत सी ऐसी हलचलें हो रही थी। खास करकर अगर हम देखेंगे कि महाराष्ट्र स्टेट जो नया स्टेट महाराष्ट्र स्टेट नाम से जो खड़ा हुआ वो 1960 में खड़ा हुआ, उसके पहले यहाँ संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन हुआ था जिसके अंदर महाराष्ट्र या अलग स्टेट होना चाहिए आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन के अंदर उस वक्त के अलग अलग संगठन अलग अलग पोलिटिकल पार्टी जिसके अंदर रिपब्लिकन पार्टी का भी हिस्सा था, लेफ्ट पार्टी सीपीआई का भी हिस्सा था, पीडब्ल्यूपी पार्टी थी और भी सोशलिस्ट पार्टी पीडब्ल्यूपी पार्टी प्रेजेंट वर्कर्स पार्टी ऐसे अलग अलग संगठन उसके अंदर शामिल थे और एक आंदोलन हो रहा था। उसी पीरियड के अंदर या उसके आखिरी पीरियड के अंदर अगर हम देखते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर दलितों को और जो भूमिहीन किसान है
जो लैंडलेस लेबरर है, लैंडलेस किसान है, उनके लिए जमीन मिलना चाहिए, इस मांग को लेकर महाराष्ट्र के अंदर 1959 से लेकर 1954 तक इस पीरियड के अंदर एक बड़ा संघर्ष हुआ है, जिसके अंदर लेफ्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, किसान सभा और रिपब्लिकन पार्टी के जो सभी कार्यकर्ता थे, नेता थे, ये सब मिलकर आंदोलन करे। जिसके नेता थे उस वक्त के दादा साहब गायकवाड़, वो उन्होंने ये स्ट्रगल शुरू किया था, और जिसके अंदर सब वामपंथी पार्टी क्षत्रिय सब शामिल थे, और वो ऐसा इतना बड़ा स्ट्रगल था कि इसके अंदर मैंने कहा कि वो चार साल 1959 से लेके 64 तक वो आंदोलन चला है, जिसके अंदर महाराष्ट्र के अंदर के बड़ी संख्या के अंदर कम से कम 1,00,000 के ऊपर लोग जेल के अंदर, जिनके अंदर जेल के अंदर गए थे इस आंदोलन के अंदर, वो जो उस मांग को लेकर कि जो लैंडलेस ये है लोग, उनको जमीन मिलनी चाहिए, और महाराष्ट्र के ग्रामीण भाग में वो बड़ा एक आंदोलन हुआ था, जिसके अंदर औरतें बूढ़े सभी लोग उसमें शामिल हुए थी, कई औरतें है कि जो उस वक्त जेल के अंदर प्रेग्नेंट हुई थी, तो एक वो स्पिरिट उसका था आंदोलन का, और उस आंदोलन से एक लेफ्ट पार्टी, लेफ्ट ताकत, वामपंथी ताकतें और रिपब्लिकन मूवमेंट की ताकत, ये सब मिलकर वो सब ये कर रहे थे, तो उसका एक असर था। ये 64 तक मैंने कहा ये लैंड को सवाल के लेकर ये आंदोलन हुआ था, वो उसी पीरियड का हम देखते हैं कि 60s के बाद के अंदर अलग अलग इश्यूज के ऊपर आंदोलन होता है, और देश के अंदर का भी हम देखते हैं कि माहौल उसी पीरियड में, देश के अंदर यानी अगर हम देखें कि आजादी के बाद में कम से कम 10 राज्यों के अंदर ऐसा माहौल हुआ था देश भर के अंदर, कि जहां सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी, केंद्र सरकार की जो नीतियां थी, आर्थिक नीतियां थी, उनकी जो अलग अलग नीतियां थी, उसके विरोध में लोग संघर्ष कर रहे थे, और उसका असर हमने चुनाव के अंदर देखा कि 67 के अंदर करीब 8-9 स्टेट्स के अंदर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट का स्थापना हुई थी, फिर केरल के अंदर उस वक्त की कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार होगा, या वेस्ट बंगाल के अंदर भी सरकार हुआ था, तो ऐसे अलग अलग जगह ये सब हो रहा था, और देश के अंदर एक बड़ा अनरेस नौजवानों के अंदर एक बड़ा अनरेस जो था, और लोग पूरे देश के अंदर की जो आर्थिक नीतियां है उसके बारे में, उसके अंदर मजदूरों संगठन भी हो या बाकी अलग अलग संगठन, वो संघर्ष कर रहे थे। ये पूरा इसका जो हमने जो कहा कि इसका असर हमको देखने को मिलता है कि लिटरेचर लेवल के ऊपर भी इसका असर हमको देखने को मिलता है कि लिटरेचर के अंदर भी जो एस्टैब्लिश सो कॉल्ड एस्टैब्लिश लिटरेचर के जो एक ये थे प्रस्थापित साहित्य जिसको हम कहते हैं, उसके विरोध में भी नए जो यंगस्टर्स, जो नए लेखक आ रहे थे, नए साहित्यकार कलाकार आ रहे थे, वो भी अपना प्रोटेस्ट अलग अलग तरीके से कर रहे थे। कुछ जगह जैसे पश्चिम बंगाल हो या आंध्र प्रदेश हो, वहाँ बंडाए साहित्य का या ऐसे लिटिल मैगजीन जिसको कहते हैं कि लिटिल मैगजीन की मूवमेंट, वो बहुत से जगह शुरू हुई थी, जिसके में से नए बहुत से साहित्यकार कलाकार भी आ रहे थे। तो वो सुरापुरा एक दौर था, और उस दौर का हम अगर हम देखेंगे तो उसी दौर का महाराष्ट्र के अंदर भी असर होता, और केवल देश के अंदर नहीं, तो हम देखते हैं कि दुनिया भर के अंदर एक जो बड़ा असंतोष, बड़ी अनरेस्ट हो रहा था। एक तरफ हमने देखा कि 60s के अंदर क्यूबन रेवोल्यूशन हुई है, क्यूबन रेवोल्यूशन से भी प्रेरणा लेकर लैटिन अमेरिका के अंदर और बाकी बहुत सी जगह वो प्रोटेस्ट हमको देखने को मिलता है, और वर्णभेद के विरुद्ध का लड़ाई हो, बाकी अलग अलग लड़ाई हो, संघर्ष हो, और यहाँ के अफ्रीका के अंदर हो, अमेरिका के अंदर हो, इंग्लैंड के अंदर के हो, जो वर्णभेद का जो विरोध का जो ब्लैक मूवमेंट जिसको कहते हैं, कुछ लोग शुरुआत के अंदर उसको निग्रो मूवमेंट, मगर निग्रो ये वर्ड लोग अभी यूज करते हैं क्योंकि वो इंसल्टिंग है ऐसा मानना है, तो ब्लैक मूवमेंट के जो मूवमेंट शुरू हुई, तो ब्लैक मूवमेंट के साथ ही हम देखते हैं कि ब्लैक पैंथर जैसी एक संगठन भी वहां उस तरफ उभर कर आई है। तो ये जो देश भर के अंदर दुनिया भर में हो रहा था, उसका असर यहाँ के जो बुद्धिजीवी थे, यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल थे, लिटरेरी के अंदर के जो लोग थे, उनके ऊपर ही आ रहा था, और एक पूरा दौर है कि जो आंदोलन का संघर्ष का दौर था। और महाराष्ट्र में हम देखेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर उसी पीरियड के अंदर अलग अलग, क्योंकि 60s के बाद हम देखते हैं 65-67 के बाद में, कि उस वक्त की जो रिपब्लिकन लीडरशिप थी, रिपब्लिकन पार्टी की लीडरशिप थी, उनके बारे में जो नए नौजवान थे उनके अंदर एक असंतोष था। असंतोष उसके लिए भी था,
हम देखते हैं कि इस के जो एक दशक ऐसा है कि जिसके अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में 14th अक्टूबर को धर्मांतर किया है, हिंदू धर्म का त्याग कर उन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया, और बौद्ध धर्म का स्वीकार करने के बाद हम देखते हैं कि दलितों के अंदर एक नई अस्मिता, नई आइडेंटिटी, नई अस्मिता को लेकर वो उभर कर आए हैं। और उन्होंने उस वक्त हम देखा कि धर्मांतर के बाद में पूरे जूनी पुरानी जो रूढ़ी परंपराएं थी, जो पूजा पाठ वगैरह सब, वो सब उन्होंने छोड़ दिया और नया विचार को, नया थॉट लेकर और साइंटिफिक थॉट को लोगों के अंदर लेके जाना चाहिए। इस बाबा साहब का जो एक सपना था, वो सपनों को लेकर नई जनरेशन काम करने लगी, और यही नई जनरेशन है कि जिसके अंदर हम देखते हैं कि 56 के बाद जो दलित नौजवान जो पैदा हुए या जो शिक्षित हुए, तो वो ये शिक्षित हुए नौजवान थे, इनका ही हमको देखने को मिलता है कि इनके अंदर, क्योंकि एस्टैब्लिश लीडरशिप उस वक्त जो रूलिंग पार्टी के साथ में कुछ जगह कॉम्प्रोमाइज उनका पॉलिटिक्स चल रहा था, और वही पीरियड है कि हम देखते हैं कि 69 के अंदर आपको पता होगा कि किलवन मणि का इंसिडेंट हुआ था, जिसके अंदर बड़ी संख्या के अंदर दलितों की हत्या की गई थी, उनको जलाया गया था। तो वो किलवन मणि का मामला देश भर में बहुत उसके खिलाफ दलितों के अंदर असंतोष इसको लेके था, तो उसके विरोध में भी कुछ करना चाहिए, कुछ होना चाहिए, ऐसा लोगों ने कर रहा था। 71 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेरुमल रिपोर्ट, कमीशन रिपोर्ट किया था, जिसके अंदर एट्रोसिटीज का मुद्दा उसके अंदर उठाया गया था। तो ये सब हो रहा था, इसका दुनिया भर के, देश भर के अंदर और खास करके महाराष्ट्र के अंदर शिक्षित जो नौजवान दलितों के अंदर के थे, उनके अंदर बहुत ये था। और महाराष्ट्र में वही समय है, वही पीरियड है कि उस पीरियड के अंदर महाराष्ट्र के अंदर भी ऐसी कुछ घटनाएं हो रही थी, और महाराष्ट्र के अंदर दलित पैंथर ये संगठन स्थापन होने के पहले कुछ ऐसे छोटे मोटे गुट थे, जैसे कि मराठवाड़ा रीजन के अंदर या मुंबई के अंदर भी दलित युवक आघाड़ी नाम से दलित तरुण मंडल करके वो आघाड़ी, वहाँ नौजवानों के अंदर जिसके अंदर अविनाश डोलस जैसे बाद में रिपब्लिकन पार्टी के नेता हुए, या माधवराव मोरे, ऐसे बहुत से लोग उसमें थे कि जिन्होंने उस वक्त जिसके अंदर जोगदान करके भी एक वहां के भीड़ के मराठवाड़ा के थे, ये बहुत लोग थे कि जो उस लेवल पे इकोनॉमिक इश्यूज, लैंड के इश्यूज और एट्रोसिटीज के इश्यूज, ये दोनों इश्यूज को लेकर वो काम कर रहे थे। और ये जो महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसा ये हुआ था कि दूसरी एक संगठन था युक्रान, युवक क्रांति दल, ये सोशलिस्ट से जुड़ा हुआ संगठन था, कि जो नौजवानों के अंदर वो भी सोशलिस्टों का खुद को रेडिकल समझने वाला एक ग्रुप था, कि जो ट्रेडिशनल सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए जो लोग थे या समाजवादी पार्टी, समाजवादी पक्ष से, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से, तो उससे अलग होकर कुछ तो रेवोल्यूशनरी या क्रांतिकारी कुछ, इसलिए उन्होंने युवक क्रांति दल ऐसा उनका नाम दिया था, जिसके अंदर मिक्स तरह के, यानी उसमें दलित जाति के भी कुछ कार्यकर्ता थे और नॉन दलित जिसको सवर्ण जाति कहते हैं अभी, तो उसमें से भी कुछ कार्यकर्ता उसके अंदर शामिल थे। उसी वही पीरियड ऐसा है कि महाराष्ट्र के अंदर मागोवा ग्रुप करके, मागोवा ये ग्रुप जो था ये प्योरली मार्क्सिस्ट जो यूथ थे, जो आईआईटी के अंदर, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर के वगैरह थे, जो सभी कम्युनिस्ट पार्टी से जिनको डिफरेंस ओपिनियन थी, और वो चाहते थे कि कल्चरल इश्यूज भी हो और सोशल ऑपरेशन के जो इश्यू है और इकोनॉमिक पॉलिटिकल इश्यूज, ये सब लेकर ये करना चाहिए। तो मागोवा जो ग्रुप था, उन्होंने मागोवा नाम से एक मैगजीन भी, पत्रिका भी शुरू की थी। ये 60-70 का दशक ऐसा है कि जिस दशक के अंदर लिटिल मैगजीन का जो मैंने जिक्र किया कि बहुत से लिटिल मैगजीन की मूवमेंट हो रही, लिटिल मैगजीन की पत्रिकाएं अलग अलग निकलती थी, तो उसमें कई एक पत्रिका का नाम था विद्रोह, जिसके नामदेव ढसाल और जेबी पवार ये उसके एडिटर रहे हैं। राजा ढाले खुद एक खुद का लिटिल मैगजीन एक अलग निकालते थे, ऐसे बहुत से लोग। और उसी पीरियड के अंदर हम देखते हैं कि अस्मिता नाम से मराठवाड़ा से, क्योंकि उस वक्त मराठवाड़ा का अंदर के मिलिंद महाविद्यालय जो है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने स्थापित किया कॉलेज है, तो मिलिंद महाविद्यालय के जो वहाँ के उस वक्त के जो नौजवान थे, जो विद्यार्थी थे, जो कुछ कविता लिख रहे थे, कुछ कथा लिख रहे थे, कुछ अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस हो रहे थे, तो उनको जरूरत महसूस हुई, और जिसके अंदर डॉक्टर मना वानखेड़े और बाकी वहाँ के लोग थे जिनका सहयोग हुआ, और बाद में उसको गंगाधर पांतावणे वगैरह बाकी लोग भी उनसे जुड़े। मगर ये अस्मिता नाम से जो उन्होंने ये शुरू किया, अस्मिता का यही है कि
धर्मांतर के बाद में एक अलग आइडेंटिटी, हम खुद की अलग अस्मिता लेकर, तो उसका अस्मिता नाम रखने के पीछे भी वो एक मकसद था। तो अस्मिता के अंदर भी ऐसे जो दलित राइटर्स के अलग अलग स्टोरीज या कविताएं या आर्टिकल्स द्वारा पब्लिश होना शुरू होता। और ये मुंबई के अंदर से जो, जैसे मैंने कहा, विद्रोह निकल जाता, बाकी बाबूराव बागुल एक दलित साहित्य के बड़े पायोनियर रहे, उन्होंने आमी नाम से, आमी का मतलब है वही, हम, उस नाम से उन्होंने ये शुरू किया था, मैगजीन शुरू किया था। तो ये सब हो रहा था। और 70 का दशक, आपको सबको पता है कि देश भर के अंदर पॉलिटिकल संघर्ष हो रहे थे, मजदूरों के संघर्ष हो रहे थे, रेल का बड़ा हड़ताल हुआ था, ऐसे अलग अलग संघर्ष हो रहे थे। तो उसी पीरियड के अंदर दलित पैंथर ने यहाँ महाराष्ट्र के अंदर कुछ जगह दलितों के पर अत्याचार बढ़ रहे थे, जिसमें से गगन बावड़ा जो का जो इशू था, वहां दलित औरत को ये किया गया और उसकी इज्जत लूटने की और बाकी पे एट्रोसिटीज हुआ था। तो वो मामला यहाँ महाराष्ट्र में उस वक्त बहुत उसको लोगों ने उसके खिलाफ आंदोलन और संघर्ष शुरू किया था। तो ऐसी घटनाएं हो रही थी अकोला के अंदर। बाद में हम देखते हैं कि दो दलित नौजवानों की आंखें निकल गई थी, धाकली जो विलेज था अकोला के अंदर, विदर्भ रीजन के अंदर ये हुआ था। तो ये सब इसके खिलाफ में जो अत्याचार सब बढ़ रहे थे, तो उसके खिलाफ में कुछ तो बड़ा स्ट्रांग प्रोटेस्ट जिसको कहते हैं वो होना चाहिए, ऐसे नौजवान महसूस कर रहे थे। और ये सब जो नौजवान थे, इसमें से बहुत से नौजवान ऐसे थे कि जो सेकंड, यानी बाबा साहब के डेथ के बाद में जो सेकंड जनरेशन आई थी, उनकी उसके अंदर अगुवाई थी। और ये दलित पैंथर की उस वक्त, जैसे कि 9 जुलाई को 1972 के अंदर मुंबई का जो रेड लाइट एरिया जिसको कहते हैं, उस एरिया के अंदर, वहाँ सिद्धार्थ नगर है, वहाँ के एक हॉल के अंदर एक मीटिंग ली गई जिसको सभा कहते हैं, और उसके अंदर उनकी स्थापना की घोषणा हुई। मगर दलित पैंथर का अगर हम देखेंगे तो उसको उसको जो सही माने में उसका जो ये मिला, जिसको कहते हैं कि दलित पैंथर नाम का एक जिसको फेमस हुई, जिस तो उस वक्त 72 ये साल ऐसा था कि आजादी को 25 साल हो रहे थे, और उस 25 साल होने के अवसर पर महाराष्ट्र से एक निकलने वाला एक वीकली था, साधना नाम का एक वीकली पुणे से, जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी मानने वाला ग्रुप था, तो वो लोग पब्लिश करते थे। उस वीकली के अंदर कुछ लोगों को, ये जो दलित आंदोलन से जुड़े हुए कुछ साहित्यकार, जिसके अंदर अर्जुन डांगले थे, प्रहलाद चेंदवणकर थे, जवी पवार और नामदेव डसाल और राजा ढाले वगैरह थे। तो उस वक्त जवी पवार और डसाल ने तो लिखा नहीं था, मगर राजा ढाले ने उनके लिए जो आर्टिकल लिखा, वो आर्टिकल का वो आर्टिकल से ज्यादा ये हुआ। उसके पहले ऐसा हुआ था कि ये मैंने जो जिस स्थापना का जो जिक्र किया, उस वक्त ये जो अत्याचार सब बढ़ रहे थे, तो दलित पंथा ने उस वक्त ऐसा घोषित किया था कि आने वाला 14 अगस्त का दिन, 15 अगस्त जो है, ये काला स्वतंत्र दिवस, ब्लैक फ्रीडम डे करके, काला दिन करके मनाना चाहिए, ऐसा घोषित किया गया था। और मुंबई के अंदर भी उस दिन 14 तारीख को रात को बड़ा प्रोसेशन निकालकर उसका प्रोटेस्ट करने का ऐसा डिक्लेयर किया गया था। और राजा डारे ने भी उसी कॉन्टेस्ट को लेकर जो आर्टिकल लिखा था साधना वीकली के अंदर, उस वो आर्टिकल के अंदर उसने कुछ स्टेटमेंट किए थे जिससे बहुत हवा मचा। उसके अंदर उन्होंने लिखा था, एक उनका जो ये था कि ये हम तिरंगा फहरा रहे, आजादी की बात कर रहे हैं, मगर यहाँ की जो दलित है, यहाँ की जो दलित लिखा था कि जो मेरी बहन का इज्जत बचाने का नहीं काम कर सकता है, उस तिरंगों को क्या उनका वर्ड था क्या गांड में डालना है। और वर्ड जब यूज किया तो उसका बहुत हवा मचा, और उसके खिलाफ राजा के खिलाफ पुलिस ने केसेस भी दाखिल किए गए। और मगर उनका वो
जो जिस तरह से उन्होंने उसमें एक्सप्रेस हुए थे, व्यक्त हुए थे, उसके पीछे का ये था कि उस वक्त ऐसा था कि दलित महिलाओं के ऊपर, दलित ऊपर अगर अत्याचार होता है तो वो जो कल्प्रिट है उसके लिए 50 रुपया केवल फाइन, और तिरंगा अगर कोई उसका अपमान करता है, इंसल्ट करता है, तो उसके लिए 300 रुपया फाइन। तो उसने ढाले ने वो सवाल पूछा था कि मेरी मेरी सिस्टर के लिए, मेरी जो बहन है, मेरी जो माँ है, उसके ऊपर अत्याचार की कीमत केवल 50 रुपया और तिरंगा अगर जलाए तो 300 रुपया, तो ये तिरंगा वो क्या लेकर करने का है, ऐसा उनका उसके अंदर का सवाल था। मगर एस्टैब्लिश गवर्नमेंट और उनको तो ये सब पसंद नहीं था। मगर वो आर्टिकल पब्लिश होने के बाद दलित पैंथर ये नाम पूरे महाराष्ट्र के अंदर और देश भर के अंदर भी मशहूर हुआ। दलित पैंथर का अगर उसके फाउंडेशन के बारे में अभी महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कहते रहते हैं। उसका पिछले कई सालों से 9 जुलाई ये दिन ही जो महाराष्ट्र के अंदर दलित पैंथर स्थापना दिवस के अंदर डसाल और बाकी लोग मनाते आए हैं। मगर अभी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 29 मई को रहा है, मगर उसके पर अभी उस चर्चा के अंदर मैं जाऊंगा ना, वो बड़ी बहस है। मगर एक तो बात यह है कि नांदोड़ डसाल है, राजा ढाले है, बाद में जवी पवार, ये उसके फाउंडर्स में प्रमुख नाम है जिसके अंदर, जिनकी उसमें फाउंडर फाउंडेशन के अंदर उनका एक बड़ा ये रहा है। अर्जुन डांगले, भाई संगारे, अविनाश महातेकर, ऐसे कई, प्रहलाद चंदवणकर, ऐसे कई लेखक और कई साहित्यकार इससे जुड़े, शुरुआत से जुड़े हुए हैं। मगर फाउंडर करके जो नाम लिया जाए उसके हम लोग बहस में जाना मेरे से आज जरूरी नहीं। मेरे हिसाब से मानना यह है कि दलित पैंथर का जो हिस्टोरिक कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्ट्रीब्यूशन को देखना क्या बहुत जरूरी है। दलित पैंथर ने उस वक्त की जो उनकी जो पॉलिटिकल भूमिका रही, राजनीतिक भूमिका जो रही है, वो भूमिका एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उसका जिक्र करना मुझे आज के लिए बहुत जरूरत, क्योंकि उन्होंने उनका खुद का मैनिफेस्टो पब्लिश किया था जिसको मराठी के अंदर जाहिरनामा कहते हैं। अभी जाहिरनामा या वर्ड उसका और मैनिफेस्टो वर्ड इसका लीगेसी क्या है, ये शायद आप में से कुछ लोग जरूर जानते रहेंगे। मगर जब ये जाहिरनामा किया गया और जाहिरनामा के अंदर उन्होंने जो मुख्य मुद्दे रखे थे, जिसके अंदर उन्होंने दलित शब्द की जो व्याख्या थी, जो उसकी डेफिनेशन थी कि दलित यानी कौन, दलित यानी उन्होंने कहा था कि दलित यानी केवल जाति से दलित, वो दलित नहीं, यानी वो तो दलित है ही, मगर उसके ब्रॉड जाके उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर जो जो शोषित है, जो जो मेहनत कश मजदूर है, जो जो मेहनत कश किसान है, जो जिनका शोषण होता है, फिर जिसके अंदर उन्होंने औरतों को भी इंक्लूड किया है कि औरत भी दलित है, जो यहाँ के मजदूर है, किसान है, खेत मजदूर है, भले वो कोई जाति के हो, जो जो शोषित है, जिनका शोषण होता है, उनको हम दलित मानते हैं। और उन्होंने इतना ही नहीं तो उन्होंने कहा कि दुनिया भर के अंदर की, केवल देश के अंदर के नहीं, तो दुनिया भर के अंदर, फिर अफ्रीका के अंदर ब्लैक मूवमेंट में लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले है, या वहाँ के लेबर मूवमेंट के अंदर लड़ने वाले जो लोग है, संघर्ष करने वाले लोग, यूएस के अंदर हो, अमेरिका के अंदर हो, इंग्लैंड के अंदर हो, तो वो सब जो जो संघर्षशील जनता है लड़ने वाली, वो हम हमारा भाई मानते, वो हमारे, वो हम हमारा भाईचारा होना चाहिए, ऐसी भूमिका उन्होंने उस वक्त ली थी। और ये भूमिका बहुत ही ब्रॉड भूमिका थी, और जैसा मैंने कहा कि उन्होंने औरत के बारे में, कि औरत ये भी शोषित है तो वो भी दलित में आती है, ऐसा इस तरह से उन्होंने ये किया था। और उनका मैनिफेस्टो की बड़ी एक बात थी कि उन्होंने कहा था कि हमारे शत्रु कौन है और हमारे दोस्त कौन है, हमारे दोस्त कौन है और हमारे दुश्मन कौन है, तो उन्होंने कहा था कि हमारे दुश्मन ये लोग हैं कि जो पूंजीपति है, जो बड़े पूंजीपति है, जो साम्राज्यवादी है, जो जमींदार है, जो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ये सब हमारे दुश्मन है, और जो इनके विरोध में लड़ते हैं, जो इसके विरोध में संघर्ष करते हैं, फिर वो कोई भी हो, फिर ये मजदूर संगठन के लोग है, किसान संगठन के लोग है, ये सब लोग जो है, जो संगठित है, जो इनके विरोध, जो शत्रु के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो हमारे भाई होने चाहिए, वो हमारे साथी होने चाहिए, इस तरीके की भूमिका उन्होंने ली थी। और हमारे दोस्त और दुश्मन, ये उन्होंने भूमिका की थी। और उन्होंने उसके अंदर एक भी रखा था कि जितनी सब ये जो जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने उस वक्त इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के अंदर उन्होंने बात कही थी कि जो जमीन का निजीकरण जो खत्म होना चाहिए, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है इंडस्ट्रीज की, वो उसका नेशनलाइजेशन होना चाहिए। अभी नेशनलाइजेशन वर्ड के अंदर
हमारी मदद हो सकती है अलग अलग तरीके से, मगर वो उन्होंने ये किया था, तो उसी को, उसी लेगेसी को दलित पैंथर ने अपने इसके अंदर ये कहा था कि ये जो प्राइवेट निजीकरण जो है देश के अंदर के निजी उद्योग है उसका निजीकरण बंद होना चाहिए, और वो जो शोषित लोग है उनका उसके ऊपर उनका पावर उसके ऊपर रहने चाहिए, इस तरह की बात उन्होंने उसको कही थी। दलित पैंथर का खास दूसरा बात अगर हम कहेंगे कि दलित पैंथर में से बहुत से जो जिनका मैंने नाम लिया शुरुआत के अंदर, ये लीडर्स ये कहीं ना कहीं लिटरेचर से भी जुड़े हुए थे। तो लिटरेचर का जो एक दौर चल रहा था, मैंने कहा कि लिटरेचर मैगजीन का मूवमेंट का जो ये बताया, जो उससे राजा ढाले या जैसे कि तुलसी परब जो बाद में मागवा ग्रुप के साथ में ज्वाइन हुए थे, या भालचंद्र नेमाड़े एक मराठी के बड़े नॉवेलिस्ट है वो उससे जुड़े हुए थे, ऐसे भाऊ पाध्ये एक मराठी का बड़ा नाम है जो मराठी के बड़े साहित्यकार रहे, जिन्होंने यहाँ का जो डाउन टाउन कास्ट क्लास के जो उसके ऊपर भी उन्होंने लिखा है, यहाँ के वर्किंग क्लास मूवमेंट को लेकर उन्होंने नॉवेल्स पर लिखी है, तो ये सब लोग थे, जिसमें सतीश कारसेकर का भी एक नाम है। फिर तो ये जो लोग थे यहाँ, इनकी कहीं ना कहीं जो हम देखते हैं कि जड़े यहाँ के प्रोग्रेसिव मूवमेंट से, दलित मूवमेंट से, या प्रागतिक जो आंदोलन था उससे उनकी ये थी, और बाद में ये लोग उसमें से बहुत से लोग ये कहीं ना कहीं कुछ लेफ्ट पार्टी की तरफ गए, कुछ लोग सीपीआई के अंदर गए, कुछ मागवा के अंदर गए, और कुछ लोग बाद में हम देखते हैं कि दलित पैंथर के इसमें आए। जबी पवार खुद अच्छे पोएट है, एक अच्छे उन्होंने अंबेडकर मूवमेंट की हिस्ट्री उन्होंने अभी लिख रहे हैं, उन्होंने नॉवेल्स लिखी है, प्लेज लिखे हैं। बाद में राजा ढाले का अगर देखेंगे तो राजा ढाले ये अच्छे पोएट रहे हैं, उन्होंने बहुत सी थ्योरेटिकल रीडिंग उनकी भी राइटिंग भी उन्होंने की है। अर्जुन डांगले ये अच्छे स्टोरी राइटर पोएट रहे हैं, उनका अंग्रेजी में जो आया ओरिएंटल लॉन्गमन में उनका किताब पब्लिश भी किया है। तो ये सभी जो हम देखते हैं, दया पवार जैसे लोग रहेंगे, बाबूराव बागुल रहेंगे, दया पवार बाबूराव बागुल ये लिटरेचर के लेवल पे थे, मगर इनके ऊपर एक इन्फ्लुएंस जो था वो था। और इसकी अगर हम देखेंगे कि ये दलित लिटरेचर की जो शुरुआत है उसकी शुरुआत के अंदर अण्णाभाऊ साठे का नाम एक बड़ा नाम आता है। अण्णाभाऊ साठे ये खुद उस वक्त की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए रहे, और जिन्होंने 1958 के अंदर पहला दलित साहित्य सम्मेलन जो हुआ मुंबई के अंदर उसका इनॉग्रेशन, उसका उद्घाटन उन्होंने किया था। तो अण्णाभाऊ साठे ये लेफ्ट मूवमेंट से जुड़े हुए, कम्युनिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए, और उनका इन्फ्लुएंस ये मैंने जैसे कहा कि बाबूराव बागुल है, अर्जुन डांगले है, ऐसे जो प्रोमिनेंट राइटर्स रहे उनके ऊपर एक उनका इन्फ्लुएंस था, नामदेव डसाल के ऊपर भी एक उनका इन्फ्लुएंस रहा है। तो ये अण्णाभाऊ साठे एक लेफ्ट से जुड़े हुए थे और उनका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर भी था। दलित पैंथर के मूवमेंट के वो देखते वक्त दलित पैंथर और दलित लिटरेचर ये दोनों को हमको साइमल्टेनियसली पैरेलल लेवल पे वो दोनों मूवमेंट चल रहे थे, उसको हम देखना चाहिए। दलित पैंथर को हम लोग अलग निकाल कर देखेंगे तो उसको हम ठीक तरीके से समझ नहीं सकेंगे, ऐसा मेरा खुद का मानना है। इसलिए मैं इस बात को लेकर बात कर रहा हूँ, क्योंकि दलित साहित्य के अंदर हम देखते हैं कि बाद में दो ट्रेंड आए, मगर शुरुआत के अंदर हम देखेंगे तो दलित साहित्य के अंदर एक लेफ्ट का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस उस वक्त था, कि जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के थॉट को भी मानते थे, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का थॉट और मार्क्स का भी थॉट, ये दोनों थॉट को लेकर चलने वाले, जैसे मैंने कहा कि अण्णाभाऊ साठे है, बाबूराव बागुल है, अर्जुन डांगले है, इनके ऊपर या नामदेव डसाल का अगर लिटरेचर देखेंगे तो उसमें हमको ये देखने को मिलता है। तो ये पैरेलल एक चल रहा था, और यही लोगों की अगुवाई दलित पैंथर के मूवमेंट के अंदर थी, जिन्होंने वो लड़ाई या जो दलित पैंथर का जो मैनिफेस्टो बना है उस मैनिफेस्टो के अंदर ये जो सब बातें आई उसकी वजह का एक रीजन ये भी है कि उनके कहीं ना कहीं लेफ्ट लिंक जो है वो रही, और वो बहुत से लोग शायद बताने को हिचकिचाते हैं या बताते नहीं, मगर मुझे ये कहना चाहिए कि ये अगर हम हिस्ट्री को इस तरह से छिपा नहीं सकते, जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री है, उसको ठीक तरीके से ही लोगों के सामने रखना चाहिए। एक तरफ जैसे मैंने कहा कि
अस्मिता जैसी पत्रिकाएं निकलती थी, बाबूराव बागुल आमी नाम की मैगजीन निकलते थे, और नांदेड़ डसाल जवी पवार ये विद्रोह नाम थे। अभी विद्रोह और उस विद्रोह के 71 का जो एक स्पेशल इशू था, जिस इशू के अंदर राजा ढाले ने एक लंबा आर्टिकल लिखा था, जिस आर्टिकल के अंदर ब्लैक पैंथर का जो पूरा एक युद्ध चल रहा था उसको लेके उन्होंने और दलित लिटरेचर को लेके कंपेरेटिवली ये किया गया था। तो वो 71 में दलित पैंथर फाउंडेशन के पहले की बात है, ये मैं बोल रहा हूँ, ये 71 फरवरी की बात है। तो ये पूरा उसकी बैकग्राउंड मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरह से पूरा चल रहा था कि दुनिया भर में जो संघर्ष हो रहा है, दुनिया भर में जो अलग अलग लड़ाई है शोषण के खिलाफ हो रही है, तो उससे कहीं ना कहीं लीगेसी जोड़ने का एक था। और यहाँ महाराष्ट्र के अंदर हम देखते हैं कि दलित पैंथर की शुरुआत के पीरियड के अंदर अगर देखेंगे तो कुछ लेफ्ट मूवमेंट से जुड़े हुए लोग भी थे, जिसके अंदर अगर प्रोमिनेंट नाम लिया जाएगा तो सुनील दिघे का नाम हम ले सकते हैं। कि सुनील दिघे, ये सुनील दिघे, जयंत प्रधान, ये दो नाम ऐसे है कि जो पहले शुरुआत में सीपीएम से जुड़े हुए रहे, बाद में वो बाहर निकलकर रेडिकल मूवमेंट के साथ में उनका ये रहा। तो ये सुनील दिघे, जयंत प्रधान, फिर बाल खैरमोड़े, वो भी जिनके पिताजी ने अंबेडकर का जो एक का जो ये है चरित्र जो है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर चरित्र, उनके पिता ने ये लिखा था, चांदो खैरमोड़े उनका नाम है, 12 वॉल्यूम्स उन्होंने लिखे हैं। तो उनका लड़का बाल खैरमोड़े, ये भी लेफ्ट मूवमेंट से जुड़ा हुआ रहा है। तो ये लोग शुरुआत के अंदर दलित पैंथर के जो आंदोलन थे, और अलग अलग एक नाम था कमलाकर सामंत करके, कमलाकर सामंत ये बहुत से लीगल मैटर्स, ये कमलाकर सामंत, सुनील दिघे, तीनों एडवोकेट थे, जयंत प्रधान भी एडवोकेट था, सुनील दिघे भी एडवोकेट था, और ये था, तो इनका भी उसके अंदर ये रहा है। और तीसरा चौथा एक नाम है जिसका अगर जिक्र करो तो अनिल बर्वे, ये मराठी का वो भी लेफ्टिस्ट ये रहा है, जिनका आपको शायद कुछ लोगों को मालूम रहेगा कि थैंक यू मिस्टर लाड नाम के जो उनकी एक नॉवेल है जो हिंदी में भी अनुवाद हुई है, और उनका उस पर प्ले भी आया था, और वो नॉवेल बहुत ही मराठी के अंदर भी बहुत फेमस हुई थी। और तो उन्होंने, अनिल बर्वे ने उस दलित पैंथर के पीरियड के अंदर ही रणांगण नाम से, रणांगण ये वीकली, रणांगण का मतलब है कि बैटल फील्ड, तो बैटल फील्ड उस नाम से, रणांगण नाम से उन्होंने वीकली शुरू किया था। और रणांगण ने उस वक्त एक स्पेशल इशू भी दलित पैंथर के आंदोलन के ऊपर उन्होंने निकाला था, और दलित पैंथर, क्योंकि उस वक्त अगर हम देखेंगे कि मराठी के अंदर के मराठा जैसा एक अगर वीकली, सॉरी नॉट वीकली, मराठी नाम का डेली न्यूज़पेपर नवाकाळ, नवशक्ति, ये कुछ गिने चुने पेपर ही दलित पैंथर की इसको अच्छी तरह से पब्लिसिटी दे रहे थे, तो इसलिए इनको जरूरत महसूस पड़ी, तो उस वक्त रणांगण नाम से वीकली ये शुरू हुआ था। और दलित पैंथर ने ये जो पूरे उस वक्त ऐसा होता था कि जहां जहां एट्रोसिटीज के मामले होते थे, घटनाएं होती थी, तो यहां से मुंबई पुणे से जो दलित यूथ थे वो वहां अपना गुट बनाकर जाकर वहां जो एट्रोसिटी करने वाले लोग है उनके अंदर एक टेरर दहशत करके उनको न्याय देने का काम ये सब करते थे। और दलित पैंथर की भूमिका ये ऐसी रही कि हमको रेडिकल भूमिका लेनी चाहिए। दलित पैंथर का स्लोगन अगर हम देखेंगे तो स्लोगन के बारे में मैं जानबूझकर कहना चाहता हूँ, दलित बोल दलिता हमला बोल, ये जो स्लोगन है वहां से दलित पैंथर से आई हुई स्लोगन है, बोल दलिता हल्ला बोलो, ये स्लोगन आज दलित देश भर के अंदर लोग ये करते हैं, उसका स्लोगन उसकी घोषणा देते हैं, मगर ये दलित पैंथर के आंदोलन से आई हुई। दूसरी दलित पैंथर की स्लोगन थी, क्योंकि ये 70s का दशक ऐसा है कि देश के अंदर महंगाई का सवाल था, बाकी अनाज नहीं मिल रहा था, गेहूं अमेरिका से मिलो गेहूं लाया गया था, और तो भूख का भी सवाल उस वक्त था। तो दलित पैंथर की एक स्लोगन उस वक्त मराठी के अंदर, मैं स्लोगन आपको बताना चाहता हूँ, स्लोगन ऐसी थी कि पोटा तुझा पेटली आग, पोटा तुझा पेटली आग, उठ दलिता तोफाड़ आग, अरे तेरे पेट में आग धूम मचा रही है, तू अभी चुप मत बैठना, तू अबर अभी रास्ते पर आकर उसके खिलाफ बगावत कर दे, और वो बगावत कर दे, ऐसा उस नारा था। तो दलित पैंथर ने यहाँ के आंदोलन को कुछ नई स्लोगन्स भी दी, जिसमें से ये दो स्लोगन तो बहुत ही पॉपुलर हुई थी। और दलित पैंथर का और दलित लिटरेचर का
इतना पूरा जो एक हम जिसको कहते हैं कि मुंबई से वो शुरू हुई आंदोलन, वो पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग गांव कस्बे तक पहुंची, मुंबई से लेके नागपुर तक, विदर्भ के अंदर, मराठवाड़ा के अंदर, क्योंकि नौजवानों के अंदर एक अनरेस्ट था और एस्टैब्लिश लीडरशिप जो थी रिपब्लिकन पार्टी की, वो लीडरशिप ये सब सवाल को लेके कुछ करना नहीं चाहती। उस वक्त की लीडरशिप के अंदर के कुछ लोग तो है, कुछ लीडर्स ऐसे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्मांतर करने के बाद में बौद्ध धर्म का एक पूरा प्रसार और प्रचार हो रहा था, तो उस वक्त लोगों के जो रोजमर्रा के जो सवाल है, भूख के सवाल है, बेरोजगार के सवाल है, शिक्षा के सवाल, उस सवाल को ध्यान नहीं देते हुए, दलितों के इस सवाल को ध्यान देते हुए वो लोग उस वक्त मांग कर रहे थे कि ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर, आकाशवाणी के ऊपर बौद्ध धर्म की प्रार्थनाएं हुए। वो उसको प्रार्थना करने के लिए किसका विरोध नहीं था, मगर सवाल जो लोगों के रोजमर्रा का सवाल थे उस सवाल को बाजू में रखकर ये सवाल ले रहे थे, और एस्टैब्लिश उस वक्त की जो लीडरशिप थी कांग्रेस पार्टी के साथ में उनके अलायंस भी चल रहा था, तो उसके विरोध में एक गुस्सा था। तो जब दलित पैंथर ने ये बगावत का झंडा उठाया तो उसको बहुत तरीके से नौजवान ने सपोर्ट किया। और ये नौजवान कौन थे, ये नौजवान हम देखते हैं कि 66 के बाद में, 56 के बाद में, बाबा साहब के डेथ के बाद में जो पैदा हुए नौजवान थे, जो उस वक्त 16 17 18 20 उम्र के थे, जो जिसमें से बहुत से लोगों को आरक्षण का लाभ मिला था, रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला था, और वो एजुकेटेड यूथ थे, और खुद उन्होंने जो अछूतपन के जो उनको अनुभव अपने जिंदगी में बहुत बार आए थे, शहर में आने के बाद भी वो अछूतपन उनसे छूटा नहीं था, तो ये सब नौजवान थे जिन्होंने ये बगावत का झंडा उठाया था। और ये बहुत, जैसे मैंने कहा कि ये इसमें से जैसे राजा ढाले उस वक्त कहीं नौकरी करते थे, देवी पवार ये बैंक में नौकरी करते थे, अविनाश महातेकर ये बैंक में नौकरी करते थे, अर्जुन डांगरे ये बॉम्बे पोर्टर्स में काम करते थे, प्रहलाद चंदमकर ये भी बीपीटी के अंदर काम करते थे, यानी नौकरी कर आंदोलन का ये करना, तो ये जिसको हम कहते हैं कि उस वक्त का जो नौजवान मिडिल क्लास नहीं कहेंगे, लोअर मिडिल क्लास दलित यूथ, ये इसके अंदर जो शिक्षित वर्ग था इसकी उसके अंदर अगुवाई थी, जो लिटरेचर के अंदर भी एक्सप्रेस हो रहा था और रास्ते की लड़ाई के अंदर भी कंधे से कंधा मिलाकर उतर रहा था, तो इसके लिए ऐसे जो लोग थे उनको लोगों ने अपने सर पर, और उस वक्त ऐसा था कि महाराष्ट्र के अंदर आपको पता है कि 66 के अंदर शिवसेना का फॉर्मेशन हुआ है, शिवसेना का फॉर्मेशन होने के बाद में महाराष्ट्र के अंदर के लेफ्ट मूवमेंट को भी एक थोड़ा सेटबैक बैठना शुरू हुआ था, और दलितों में से कुछ नौजवान उस वक्त शिवसेना के साथ भी काम कर रहे थे, और शिवसेना बढ़ने के बाद शिवसेना ने जिस तरह से अटैक करना शुरू किया, और दलित पैंथर का एक जो बड़ा दलित पैंथर नाम हुआ कि आपको कुछ लोगों को शायद मालूम होगा कि 74 के अंदर वरली के अंदर दलित पैंथर की एक सभा के अंदर शिवसैनिकों ने हमला किया, और उसके बाद एक बड़ा दंगा फसाद हुआ। उसके पहले की मैं बात उसके पहले बात करना चाहता हूँ कि दलित पैंथर का जो 72 के अंदर फॉर्मेशन के बाद में हम देखते हैं कि लिटरेचर से लेके बाकी लेवल पे जो ये हुआ था उसकी दखल अंदाजी सो कॉल्ड एस्टैब्लिश जो न्यूज़पेपर्स है जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया को भी और उस वक्त के जो मराठी के बड़े न्यूज़पेपर्स थे उनको भी लेना पड़ा, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो उस वक्त 73 के अंदर स्पेशल सप्लीमेंट 73 के अंदर दलित पाड़गांवकर उस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया के फीचर एडिटर थे, तो उन्होंने दलित साहित्य को लेकर 73 के अंदर स्पेशल सप्लीमेंट निकाला है जिसको बाद में पॉइजन ब्रेड नाम से अरुण नागले ने एडिट किया, पॉइजन ब्रेड नाम से जो मैं जिक्र कर रहा था, ओरिएंट लॉन्गमन में पब्लिश किया किताब जो है वो उसमें से बहुत से आर्टिकल जो है वो उसी सप्लीमेंट में से है, और वो सप्लीमेंट जो अनुवाद जो दलित राइटर्स के जैसे जिसके अंदर बाबूराव बागुल से लेके नामदेव ढसाल है, अरुण नागले है, कई दलित साहित्यिक उभरते हुए जो दलित साहित्यिक उनके स्टोरीज थी आर्टिकल्स थी, और वो ट्रांसलेट करने का काम ये मराठी के जो कुछ प्रोग्रेसिव लोग थे जिसके अंदर विलास सारंग जैसा एक मराठी के बड़े साहित्यकार रहे हैं, रंजीत होसकुटे हैं, बाकी और भी कई नाम है कि जिन्होंने वो ट्रांसलेट किया, क्योंकि उनको भी ऐसा लगा कि ये लिटरेचर का एक अलग ये बाकी जो नॉन महाराष्ट्रीयन इनके पास जाना चाहिए, तो इसकी दखल उस वक्त ली गई थी। और मैं अभी फिर से उसी बात पे आता हूँ कि 74 के अंदर ये महाराष्ट्र के अंदर उस वक्त टेक्सटाइल मजदूरों का भी संघर्ष चल रहा था, तो वो संघर्ष चल रहा था, महंगाई विरोध के अंदर के भी संघर्ष हो रहे थे, लेफ्ट पार्टीज की एक बड़ी जॉइंट फंड बना था, ट्रेड यूनियंस का जॉइंट फंड बना था,
और ट्रेड यूनियंस और लेफ्ट पार्टी मिलकर अलग अलग जुलूस मोर्चे निकालते, तो उसके अंदर भी दलित पैंथर का सहयोग रहता था। और 5 जनवरी 74 को वर्ली के अंदर उस वक्त चुनाव का पीरियड था, महाराष्ट्र के अंदर एक बाई इलेक्शन होने जा रहा था, जिस इलेक्शन के अंदर सीपीआई की तरफ से कॉमरेड रोजा देशपांडे, कॉमरेड डांगे की लड़की रोजा देशपांडे वो कॉन्टेस्ट कर रही थी, और कांग्रेस की तरफ से आदिक रामराव आदिक ये कॉन्टेस्ट कर रहे थे। तो उस पीरियड के अंदर ऐसा ये आया कि दलित पैंथर की भूमिका क्या, क्योंकि उसके पहले ऐसा रहा कि दलित होर्ट्स के बारे में कांग्रेस हमेशा कंसिडर करती कि ये होर्ट्स हमको ही मिलते हैं, ऐसा ही कांग्रेस हमेशा ये था। तो उस वो जो मीटिंग हो रही थी वो मीटिंग उसी को लेकर मीटिंग हुई थी जिसके अंदर वो अपनी भूमिका डिक्लेयर करने वाले थे। तो उस वक्त उस मीटिंग के अंदर दलित पैंथर ने ऐसा ये लिया कि हम ये जो चुनाव के ऊपर बॉयकॉट डालेंगे, बॉयकॉट करेंगे, ऐसा उन्होंने किया। और वो मीटिंग के अंदर बहुत ही वाइब्रेंट स्पीचेस नंदोड बाद में रहने डाले थे उन्होंने किया। ढाले जब भाषण में खड़े हुए उसी पीरियड के अंदर वहाँ के आजू बाजू की चाली है, वहाँ वर्ली के अंदर अंबेडकर मैदान करके एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड के ऊपर ये मीटिंग थी, और आजू बाजू ग्राउंड के आजू बाजू में सब मजदूरों की चाली चाली है, कुछ पुलिस के जो एम्प्लॉयज है उनकी भी चाली है। और वहाँ उस मीटिंग के ऊपर बड़ा हमला हुआ, सोडा वाटर की बॉटल फेंके गए, पत्थर फेंके गए, और धूम सब मची, और लोग बाद में राजा डाले के ऊपर पुलिस ने बहुत पीटा, उनको अरेस्ट भी किया गया, नांदोड असल वहां से कहीं अंडरग्राउंड चले गए। तो ये और उसके बाद जो वर्ली के अंदर जो राइड्स हुए, जो उसको राइड कहना बहुत गलत है, क्योंकि उस वक्त हमने देखा है कि पुलिस यानी पुलिस के ड्रेस पहनकर पुलिस के जो बच्चे थे जो जिसको सवर्ण कहा जाता है, उसको कहते थे कि सवर्णों ने हमला किया, तो जो नॉन दलित ये थे उन्होंने ये हमले करने की अगुवाई की, यानी पुलिस का ड्रेस पहनकर यही लोगों ने उनको पीटने का काम किया और पत्थरबाजी भी की और चाली चाली, यानी वर्ली के अंदर तो ऐसा लोग उसको कहते थे कि धर्म युद्ध, ऐसा ही पूरा एक माहौल, जाति युद्ध ऐसा पूरा एक माहौल था, कुछ चाली जो दलित जिसमें ज्यादा रहते वो अलग बटी हुई थी और नॉन दलित की चाली अलग बटी हुई थी। और उसके बाद में हम देखते हैं कि उसके खिलाफ में 10 जनवरी को ये होने के बाद कुछ लीडर्स जो थे अंडरग्राउंड चले गए थे, मगर लोगों ने के अंदर गुस्सा था कि इसका प्रोटेस्ट होना चाहिए ये जो फायरिंग का, उस वक्त यानी फायरिंग भी की थी और लाठी चार्ज वाला सब किया था, तो उसका प्रोटेस्ट के लिए 10 जनवरी को मुंबई के अंदर का जो इलाका है भोईवाड़ा इलाका दादर के अंदर, तो दादर से एक जुलूस निकाला गया और वो परेल होकर आगे जाने वाला था। तो परेल का रेलवे वर्कशॉप के नजदीक जब जुलूस पहुंचा तो उसी पेड़ के अंदर शिवसेना के लोगों ने, शिवसेना के वहां चंदू वायरकर करके शिवसेना का एक गुंडागिरी करने वाला बड़ा ये था वो, और वहां के साथी उन्होंने बिल्डिंग में से लोगों के ऊपर पत्थर फेंकना शुरू किया, और एक बड़ा जिसको कहते हैं कि सीमेंट कॉन्क्रीट का एक बड़ा जैसा पत्थर जैसा था वो उन्होंने ऊपर से फेंका, और वो ऊपर से फेंकने के बाद वहां का उस वक्त का दलित पंथर का एक जो एक्टिविस्ट था भागवत जाधव, जो खुद अच्छा आर्टिस्ट भी था, नाटककार प्ले राइटर भी था, प्ले में काम भी करता था, तो उसके सर के ऊपर वो गिरा, और वो गिरने से बाद में उस बहुत बड़ा उसका भाई भी उसके साथ में था सिराज यादव और बाकी जो कार्यकर्ता थे उन्होंने उनको उठाया, मगर उसके का खून बहुत बहकर गया था, बाद में वो शहीद हुए। तो ये शहीद होने के बाद ये 10 जनवरी की बात है, तो इस 10 जनवरी को ये हो गया, और इसका प्रोटेस्ट बड़ी तरह से पूरे महाराष्ट्र के अंदर लोगों ने किया, और एक जिसको कहते हैं कि कुछ जगह वायलेंट ये भी हुआ, क्योंकि ऑब्वियस था जिस तरह से उसको भागवत जाधव को मारा गया था, उसको शहीद हुआ था, तो उसका गुस्सा लोगों ने अपनी तरफ से ये किया। और दलित पैंथर का जो मैंने कहा कि ये पूरा ये सब चल रहा था, मगर उसी पीरियड के अंदर पैंथर के अंदर आइडियोलॉजिकल वैचारिक लेवल पे एक डिबेट भी शुरू हो रहा था, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि दलित पैंथर के ऊपर ये लेफ्ट डोमिनेशन है, लेफ्ट विचार का ये है, अंबेडकर थॉट का ये नहीं है, और ये बहस दलित पैंथर के अंदर चलती थी। ये 72 से लेके अगर हम देखेंगे, मैंने कहा कि 74 के अंदर मुझे याद है कि मुंबई के जो साउथ बॉम्बे का चर्चगेट इलाका है वहां
पूरे लेफ्ट पार्टीज ने मिलकर, लेफ्ट पार्टीज, ट्रेड यूनियन और महिला संगठन, महिलाओं ने उस वक्त मृणाल गोरे, सोशलिस्ट लीडर कॉमरेड अहिल्या राणेकर सीपीएम की और मैं की लीडर थी, ये लोगों ने, तारा रेड्डी कॉमरेड तारा रेड्डी सीपीआई की कॉमरेड थी, ये सब लोगों ने औरतों को लेकर महंगा के विरोध में भी किया था तो, और असेंबली का घेराव का कॉल दिया गया था, तो उसमें सभी लेफ्ट पार्टीज मिलकर और दलित पैंथर भी उसके अंदर थी, मैं खुद उसका एक आई विटनेस हूं, मैं उसमें शामिल था उस वक्त, तो पूरे मुंबई का रोड जो थे वो पूरे ब्लॉक किए गए थे और पूरे असेंबली की तरफ जाने वाले सभी रोड ब्लॉक किए गए थे और एक बड़ा एक अलग माहौल हमको, तो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर भी दलित पैंथर को उसकी जो क्या कहते कि एक दखल दखल अंदाजी ये शुरू हुआ था, दलित पैंथर एक रेडिकल मूवमेंट है, ये सब होते होते हम देखते कि बाद में अलग अलग तरीके से दलित पैंथर को एक करने के लिए, फिर उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी के जो ग्रुप्स थे, दलित पैंथर का इमर्ज होने के बाद रिपब्लिकन पार्टी के ग्रुप ने ऐसा ये किया कि हम लोग अभी सब इकट्ठा कर नया ये कर रहे वगैरह, तो ऐसा एक उन्होंने कोशिश की कि ये जो दलित पैंथर का जो सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट कम करने के लिए उन्होंने किया, मगर उसको जो उस वक्त की जो यंग जनरेशन थी दलित नौजवान, उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया और उनका वो पूरा, क्योंकि उनकी जो लाइन रही वो हमेशा रूलिंग पार्टी के को सपोर्ट करने की रही, ये 72 से लेकर 75 तक हम देखते हैं कि दलित पैंथर का एक सिलसिला चला, मगर 74 के बाद में इसका शहीद भागवत यादव होने के बाद में दलित पैंथर के अंदर आइडियोलॉजिकल क्राइसिस होना शुरू हो गया, वैचारिक संघर्ष जो है वो होना शुरू हुआ, नांदो डसाल, अर्जुन डांगले और बाकी कुछ लोगों के ऊपर स्टैंपिंग किया गया कि ये लेफ्ट है करके, राजा डाले बाद में जेबी पवार वगैरह ये अंबेडकर है करके इस तरह से ये किया गया, और हम देखते कि 72 से लेकर 75 तक दलित पैंथर के जो ये सब लीडर्स थे, राजा डाले हो, दसाल हो, अविनाश महातेकर है, जेबी पवार है, इनके ऊपर कई केसेस वगैरह भी डालने का पुलिस ने केसेस वगैरह डाली और हैरेसमेंट भी ऐसे शुरू हुआ था, और दूसरी तरफ से रूलिंग क्लास पार्टी के लोग कोशिश कर रहे थे कि इनके अंदर कैसे स्प्रिट गिरा जाए, तो स्प्रिट का भी, और कुछ लोगों ने ऐसा भी एलिगेशन किया गया था कि नांदो डसाल ये सीपीआई से जुड़ा हुआ है या सीपीआई के तरफ, क्योंकि उस वक्त नांदो डसाल ने, मुझे याद है कि कॉमरेड डांगे जो उस वक्त के कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े लीडर थे, उनका 75 सेलिब्रेशन था, तो उस वक्त उनके ऊपर उन्होंने एक कविता भी लिखी थी, मगर वो कविता क्रिटिसाइज करने वाली कविता थी, वो कविता उनका प्रेस करते हुए भी क्रिटिसाइज करने वाली वो कविता थी, और दलित पैंथर के परेड के अंदर हम देखते हैं कि दलित पैंथर के परेड के अंदर जब ये सब पुलिस का दमन शुरू हुआ तो कुछ दलित पैंथर के लीडर कार्यकर्ता, जैसे कि खुद नांदो डसाल, ये उस वक्त मुंबई के जो लड़ाकू कॉमरेड और नेता भी थे कॉमरेड जीएल रेड्डी, उनके घर पे वो अंडरग्राउंड रहे थे नांदो डसाल, बाकी मेरे फादर कुछ उस वक्त उस वो कम्युनिस्ट मूवमेंट के साथ में थे, मगर उनका भी इनके साथ में एक रिश्ता रहा और वो भी, तो लेफ्ट पार्टी के जो अलग अलग लोग है उनको डायरेक्ट इनडायरेक्टली अलग अलग तरह से हेल्प भी कर रहे थे, तो उसी को लेके कुछ लोगों ने ये किया गया कि इनका इनके साथ में संबंध है वगैरह, मगर ये उसमें आइडियोलॉजिकल मैंने कहा कि इन्फ्लुएंस था, मगर उसके साथ ही साथ वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का थॉट है उनको भी वो मानते थे कि वो थॉट को लेकर ही हमको करना चाहिए, मगर रेडिकल उन्होंने जो ये लिया था भूमिका ली थी वो भूमिका कुछ लोगों को शायद इतनी पसंद नहीं थी, और उन्होंने इस तरह से मुद्दे उठाकर आइडियोलॉजिकल वैचारिक मुद्दे उठाकर दलित पैंथर के अंदर क्लैशेस होना शुरू हुआ, और 75 के बाद में दलित पैंथर के अंदर इंटरनल ही ये सब शुरू हुआ, उस बाद में इमरजेंसी शुरू हुई, इमरजेंसी के अंदर दलित पैंथर ने खुद ऐसी डायरेक्ट ऑफिशियल भूमिका तो नहीं ली, मगर हम देखते हैं कि दलित पैंथर के एक लीडर का नाम नांदो डसाल, तो नांदो डसाल ने उस वक्त ओपनली सपोर्ट कर दिया इमरजेंसी को, और उसी पीरियड के अंदर उनकी एक लंबी कविता है इंदिरा गांधी के ऊपर की, वो लंबी कविता
का भी उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे उनके हाथों से उसका, शंकरा चौहान उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, उनके हाथों से उसका प्रकाशन भी हुआ था। और ये 75-76 के अंदर दलित पैंथर संगठन के नाम से तो था, मगर 76 के अंदर नागपुर के अंदर एक सम्मेलन हुआ जिसके अंदर निर्णय लिया गया कि इनको, कुछ लोगों को दलित पंथ से निकालना, और राजा ढाले और जबी पवार उन्होंने अलग संगठन का घोषणा की जिसका नाम था मास मूवमेंट। मास मूवमेंट नाम से उन्होंने घोषणा की। तो ये 72 से लेकर, यानी दलित पंथ के दो फेजेस है। मैं ये पहला फेज के बारे में अभी आपको बता रहा हूँ कि पहला फेज का मैंने ये जिक्र किया, दलित पैंथर को स्प्लिट हुआ। और बाद में मैंने कहा कि मास मूवमेंट एक अलग, जिसका जबी पवार और राजा ढाले उसके ये रहे, और नामदेव डसाल, भाई संगारा वगैरह, ये अर्जुन डांगले अलग रहे। और हम देखते हैं कि 77 इमरजेंसी उठने के बाद में, 77 के बाद में ऐसा ये होता है कि फर्स्ट फेज ये हो जाता है, और भारतीय दलित पंथ नाम से अरुण कांबळे, रामदास आठवले, गंगाधर गाड़े, ऐसे कुछ जो उस वक्त के जो ये थे, जो कुछ लोग पुराने से जुड़े हुए थे, उन्होंने फिर भारतीय दलित पंथ नाम से काम करना शुरू किया। और भारतीय दलित पंथ का एक नया दौर 77 से शुरू हुआ। उस 77 से लेके 88 तक 10-11 साल का उसका ये है, उसी पीरियड के अंदर एक बड़ा आंदोलन हुआ जो मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को बाबा साहब अम्बेडकर का नाम देने का, जो रीनेमिंग ऑफ यूनिवर्सिटी, वो आंदोलन हुआ, नामांतर का आंदोलन। तो ये नामांतर का आंदोलन के अंदर इनकी अगुवाई रही, और जो दलित पैंथर की जो सेकंड रैंक की लीडरशिप और एक्टिविस्ट आए, ये इसमें से आए हैं, जिसके अंदर ये लोग जिनका मैंने नाम लिया वो सब लीडरशिप कर रहे थे। तो ये सेकंड रैंक लीडरशिप उसमें से आए, और दलित पैंथर सही माने में गांव खेड़े तक जाने का काम ये जो सेकंड ये आई दलित पैंथर की फेज उससे शुरू हुआ। और उसमें से ऐसा हुआ कि महाराष्ट्र के अलग अलग गांव के अंदर एटोसिटी के जो मामले होते थे, घटनाएं होती थी, वो कम हो गई, क्योंकि दलित पैंथर का एक अच्छा खासा ये बन गया, मजबूत गढ़ होने की वजह से उसको कम हुआ। मगर हम देखते हैं कि मैं भी हिस्ट्री कम करूंगा और प्रेजेंट पॉलिटिक्स की तरफ, क्योंकि हम देखते हैं कि 77 से लेके 77 तो मैं जो ये कह रहा था कि अभी 77 से लेके 88 तक, 88 को ऐसा हुआ कि 88 के अंदर दलित पैंथर ऑफिशियल डिसॉल्व करने का किया गया रामदास आठवले और बाकी ये लोगों ने, और बाद में आठवले मंत्री भी बन गए, और रिफॉर्मेशन ऑफ रिपब्लिकन पार्टी की शुरुआत हुई, ये सभी गुट मिलकर उन्होंने ये किया, और आठवले बाद में उसको मिनिस्टर बन गए। तो ये सब हो गया, और मिनिस्टर बनने के बाद में दलित पैंथर का जो एक रेडिकल ये जो था वो स्वरूप कम हो गया, बंद हो गया, ऐसे हम कह सकते हैं। और उसमें से फ्रस्ट्रेशन भी, दलित यूथ जो था, जो एक स्ट्रगल करने की उम्मीद रखा था, वो भी उससे फ्रस्ट्रेट भी हो गया। और हम देखते कि इसी पीरियड के अंदर महाराष्ट्र के अंदर दलित लीडरशिप के अंदर अभी एडवोकेट बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर जो है, वो उन्होंने 84 के बाद में एक नया ये शुरू किया, और भारी बहुजन भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के नाम से उन्होंने ये काम किया, जिसके अंदर दलित पैंथर से जुड़े हुए जैसे कि अविनाश महातेकर है, अर्जुन डांगले है, ये लोग उनके साथ में काम करने लग गए, प्रकाश अम्बेडकर बाला साहब अम्बेडकर के साथ में, और उनके साथ उसमें कुछ सोशलिस्ट से जुड़े हुए, युक्रांत से जुड़े हुए कुछ लोग थे, जैसे शांताराम पंदेरे है, रेखा ठाकुर है, ऐसे लोग भी उनके से जुड़े हुए। तो एक नया ये शुरू हुआ जिसके अंदर कास्ट के बियॉन्ड जाकर जो ओबीसी को यूनाइट करने का ये भी सब ये हुआ। तो ये पॉलिटिकल चेंजेस जो है इस पीरियड के अंदर हुए, और हमको देखने को मिलता है कि बाद में महाराष्ट्र के अंदर लीडरशिप के अंदर एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर जी जो है उनका एक ताकत हमको बढ़ती हुई दिखती है, क्योंकि आठवले मिनिस्टर बनने के बाद में आठवले ने अलग अलग लेवल पे कुछ, कभी डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ में भी अलायंस किया, कभी रूलिंग पार्टी के साथ भी अलायंस किया, और अभी तो आपको मालूम है अभी तो ओपनली बीजेपी के साथ में रूलिंग में है। तो जो लोग उनसे
सस्टेड हुए थे वो लोग, बाकी ऐसे और यही पीरियड है कि कास्ट को इश्यू को लेकर मैं एक एक बात जानबूझ के मेंशन करना चाहता हूँ कि लेफ्ट पार्टी की तरफ से कास्ट को इश्यू को शुरुआत के दौर में इतना है, मतलब दलित पैंथर के आने के बाद लेफ्ट पार्टी ने भी कास्ट इश्यू को उठाना, एटोफिट के इश्यू को उठाना ये शुरू किया, और इसकी वजह से भी कुछ एक्टिविस्ट ये लेफ्ट जो अलग अलग ग्रुप्स है भले पोलिटिकल पार्टीज के साथ में जुड़े हो या अलग अलग नाम से छोटे मोटे जो ग्रुप्स लेफ्ट से जुड़े हुए आए तो उनसे जुड़े और एक पैरेलल दलितों का एक नौजवानों का तबका लेफ्ट के साथ भी काम करने लग गया। और उसके हम देखते कि पिछले 10 साल के अंदर अगर देखेंगे तो पिछले 10 साल के अंदर महाराष्ट्र के अंदर जो हेरलाइज का मामला हो या मराठवाड़ा के अंदर या अभी जो अलग अलग महाराष्ट्र के अंदर देश के स्तर पर जो होते हैं आंदोलन या ऊना का आंदोलन हुआ या रोहित वेमुला का अभी मामला हुआ, तो इस इश्यूज को लेकर जो महाराष्ट्र में काम करने वाले या इस आंदोलन करने वाले अगर लोग देखेंगे तो बहुत से लेफ्ट से जुड़े हुए लोग रहे हैं और कुछ भारी बहुजन महासंघ जो है उनके साथ भी जुड़े हुए लोग है इनका उसके अंदर ये रहा। मुझे इतना ही एक एक बात का भी मैं एक जिक्र करना चाहता हूँ कि खैरलांजी से लेके भीमा कोरेगा तक अगर हम देखेंगे हम तो ये महाराष्ट्र के अंदर की जो एट्रोसिटीज के इश्यूज और बाकी सब इसके अंदर ये लोगों का बहुत ही अगुवाई रही। और जब जब ऐसा यह हुआ है कि लेफ्ट और दलित मिलकर कुछ संघर्ष करते आंदोलन करते तो उसको स्टेट सप्रेस करने का रिप्रेशन करने का दमन करने का काम करते हैं। खैरलांजी के वक्त भी गवर्नमेंट ने ऐसा ही किया, खैरलांजी के अंदर लोगों ने स्पॉन्टेनियस कोई भी रिपब्लिकन पार्टी की लीडरशिप नहीं कर रही थी, इंडिपेंडेंट लेफ्ट ग्रुप्स और बाकी लोग उसको अगुवाई कर रहे थे मगर उसको भी स्टैंपिंग किया गया कि ये नक्सलाइट लोगों ने आंदोलन ये किया है वायलेंस ये किया है, वैसा ये नहीं था उसके अंदर वहां के नागपुर के विदर्भ केंद्र के मैंने कुछ वहां का फैक्ट फाइंडिंग किया है खैरलांजी के अंदर के बाकी इसके अंदर तो मगर उसको ये किया गया। अभी भी हम देखते हैं करंट अगर देखेंगे कि भीमा कोरेगा का जो पूरा मामला हुआ है तो उसके अंदर भी भीमा कोरेगा का जो 200 साल मनाने का जो कॉन्फ्रेंस हुई थी पुणे के अंदर तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर दलित नॉन दलित था और वो ये था कि यहाँ की जो पेशवाई है 200 साल पुरानी जो पेशवाई थी तो अभी नई पेशवाई आई है अभी सेंटर के अंदर स्टेट के अंदर उस वक्त आरएसएस प्रो बीजेपी का गवर्नमेंट आया था तो ये नई पेशवाई के विरोध में और केवल कास्ट का इश्यूज नहीं तो कास्ट के इश्यू के साथ में इकोनॉमिक इश्यूज सोशल इश्यूज सोशल एट्रोसिटी के इश्यूज इकोनॉमिक इश्यूज पॉलिटिकल इश्यूज ये सब लेकर बग गई रहे दोस्तों शायद कुछ एक टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है जिसके वजह से सतीश सुबोध का कनेक्शन अभी कट गया है, लेकिन सतीश ने जो अभी बात रखी जिसमें दलित पैंथर्स के इतिहास को जिस डिटेल के साथ उन्होंने समझाया और जिस उद्देश्य और जिस प्रॉमिस के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ था आंदोलन शुरू हुआ था वो तो सुन के लगता है कि आज भी बिल्कुल जिंदा है। जैसे सर बता रहे थे कि
एक ऐसा कविता छापी जाती है जिसपे आजादी के वादों को कैसे तोड़ा गया है, भारत माता के सपनों को कैसे तोड़ा गया और उसके नाम पे किस तरीके से दमन को बढ़ाया गया, ये तो हम आज भी देखते हैं। और आज खास करके आरएसएस बीजेपी के दौर में पहले से ही जिस तरीके का शोषण दमन चल रहा था हमारे समाज में, उसको और भी बढ़ावा मिला है, लेकिन उसका प्रतिरोध भी हुआ है। खास करके अगर हम देखें 2017 में भारत बंद हुआ अप्रैल में, जहां पे पूरे देश के अलग अलग राज्यों में प्रांतों में एक जुझारू संघर्ष हमें देखने को मिला, जब कहने के लिए तो केवल SC/ST एट्रोसिटी एक्ट और आरक्षण पे ही हमले लेके आंदोलन हुए, लेकिन जिस जुझारू स्पिरिट के साथ लोग इसमें भागीदारी लिए, नागरिकता के जो मूलभूत सवालों को लेके लोग संघर्षरत हुए, वो आज भी हमारे सामने है और हमारे लिए ओपन क्वेश्चन है। हाल ही में CNRC का जो मूवमेंट रहा, जहाँ पे नागरिकता का सवाल फिर से वापस आ गया, नागरिकता, नागरिक होने का क्या मतलब है, नागरिकता के क्या अधिकार होने चाहिए, आज़ादी का क्या मतलब है, उस सच्ची आज़ादी के लिए जिसके लिए सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, फातिमा शेख, बाबा साहेब अम्बेडकर, अशफाक उल्ला खान, भगत सिंह जैसे कई क्रांतिकारियों ने जिस सपनों के साथ आज़ादी का संग्राम लड़ा था, उन सपनों को लेके आज भी चर्चा करने की जरूरत है। हेलो, सॉरी, बैटरी ये हुआ था। अभी ठीक है सर। अगर यस, मैं अभी सर, अगर यस, आप बोलिए एक दो मिनट में अगर आप अपना बात खत्म करें तो क्या हम क्वेश्चन आंसर सेशन में चले जाएं इसके बाद? यस यस, ठीक है, मैं दो मिनट में एक बात खत्म कर सकता हूं। मैं कह रहा था कि भीमा कोरेगांव के बारे में मैं कह रहा था, ये उसका जो आयोजन किया गया था उसके अंदर अलग अलग संगठन और सब लोग उसमें थे, और उसमें आज का जो देश के अंदर का जो जातीय और धार्मिक माहौल है तो उसके विरोध के अंदर भी, और उसको उन्होंने उसको रिलेट किया गया था कि 200 साल पुराने पेशवाई के अंदर किस तरह के दमन, जातीय दमन भी होता था, और अभी नई तरीके से देश के अंदर जो हो रहा है संघ परिवार, तो उसका विरोध में भी, और बाकी जो सोशल इश्यूज है, इकोनॉमिक इश्यूज है, उसको लेकर ये करने का। तो जब जब ऐसा ध्यान में आता है कि जब जब दलित मूवमेंट और लेफ्ट प्रोग्रेसिव मूवमेंट साथ में मिलकर कुछ आंदोलन या संघर्ष करती है, तो उसको रूलिंग क्लास, रूलिंग पार्टी हमेशा ये कोशिश करती है कि उसको स्टैंपिंग करना और उनके अंदर स्प्रिट कराना। जैसा मैं हिस्ट्री के अंदर देखेंगे तो दादा साहब गायकवाड़ जो रिपब्लिकन पार्टी के बड़े नेता थे, इन्होंने लैंडलेस लेबरर्स का, भूमिहीनों का आंदोलन किया था लेफ्ट को मिलकर, तो उनको भी ऐसे स्टैंपिंग किया गया कि ये कम्युनिस्ट है करके, लेफ्ट है करके, ऐसा उनको किया गया था। नामदेव डसाल और जो लोगों ने दलित पैंथर के ये किया तो उस वक्त उनको भी इस तरह से ये हुआ। और अभी फिलहाल जो महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव का जो मामला हुआ तो उसके बाद में भी इसी तरह का एलिगेशन करना किया, और एक अम्बेडकर मूवमेंट के अंदर, दलित मूवमेंट के अंदर एक कंफ्यूजन पैदा करने का कोशिश ये रूलिंग क्लास हमेशा करते आया है, और मेरे ख्याल से उससे हमको सबक सीखनी चाहिए। और आज के, आज देश के अंदर का दलित पैंथर को हम इसलिए भी याद करते हैं क्योंकि दलित पैंथर ने एक जो ब्रॉड आइडियोलॉजिकल एक थॉट जो दिया था, और यहाँ के दलित शोषित समूहों को यूनाइटेड होकर स्ट्रगल करने का जो एक मैसेज दिया था, उस मैसेज को आज हमको अमल में लाने की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि आज भी कास्ट एट्रोसिटीज, रिलीजियस एट्रोसिटीज, लिंचिंग हो या ऑनर किलिंग के मुद्दे है, ये सभी हो रहे हैं, तो ये सब ने मिलकर यूनाइटेड फाइट करने की जरूरत है, और यूनाइटेड फाइट करना यही मेरे दलित पैंथर का मैसेज था, और वो मैसेज हमको आने वाले दिनों में अमल में लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। मैं अभी रुकता हूँ, अगर सवाल होंगे तो आप पूछिएगा। जो दर्शक अभी हमारे साथ है, अगर आपके लिए कोई कमेंट या ऑब्जर्वेशन है तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं, तो सर अगला 10-15 मिनट हम क्वेश्चन ले सकते हैं। बस ये क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करने के लिए, आप जैसे बोल रहे थे कि जो यूनिटी अलग अलग लेफ्ट अम्बेडकराइट ग्रुप के बीच में जब भी हुई है, या इन मुद्दों पर जाति विनाश और तमाम अलग अलग तरीके के जीविका से संबंधित, नागरिकता से संबंधित, लोकतांत्रिक अधिकारों से संबंधित जब भी आंदोलन एक साथ आए हैं, तभी सत्ताधारी ताकतें
पूरे तरीके से उतर गए हैं, दमन किए हैं उनको, उनको तोड़ने के लिए। पिछले कुछ दिनों में कुछ कुछ ऐसे आंदोलन हुए हैं, वो सीएनआरसी का मूवमेंट हो सकता है, या उसके पहले जब भारत बंद हुआ 2017 में, भीमा कोरेगांव का उदाहरण आप खुद ही दे रहे थे, या अभी लॉकडाउन के चलते जैसे प्रवासी मजदूरों का जो माइग्रेशन हुआ, उससे जो सवाल वापस से हमारे सामने आए हैं। इन तमाम सवालों को के साथ जूझने के लिए और उसके ऊपर जो आंदोलन खड़ा करने के लिए जो प्रयास की जरूरत है, वो तो आज हमें महसूस हो रही है, और अलग अलग कार्यकर्ता भी मूवमेंट में जाके मूवमेंट का दिशा बढ़ाने देने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए हैं। तो सर, आपके लिए सवाल, बस ये डिस्कशन शुरू करने के लिए ही, क्या आज़ादी का जो सपना था, जो दलित पैंथर के स्थापना के समय जिसके टूटने की एक झलक दिख रही थी, जिसके वजह से उस पूरे दशक में बहुत सारे अलग अलग क्रांतिकारी आंदोलन हुए, क्या आज के दिन में आरएसएस बीजेपी के फासीवादी ताकतों के राइज के बाद से पर्टिकुलरली इस टाइप के कोई स्ट्रगल्स आपको दिख रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट स्ट्रगल्स रहे हैं, जो वैसे इश्यूज को पकड़ पाए हैं जैसे दलित पैंथर्स ने एक समय उठाया था, जो आज के दिन में समाज के लिए इम्पोर्टेंट कोई इश्यूज हुए हैं? आज के अगर देखें तो हम देखते हैं कि 2014 के बाद जो देश का जो पॉलिटिक्स जिस तरह से बदला है, और उसके पीरियड के अंदर ऊना का जो ये हुआ था, ऊना का जो इंसिडेंट हुआ था, या सहारनपुर का उत्तर प्रदेश में दमन भी हुआ था, या रोहित वेमुला का जो एक बहुत अहम मुद्दा था, या जेएनयू के अंदर, या अभी अगर देखेंगे कंटेम्पररी तो जामिया मिलिया से लेके ऐसे, मगर यही पीरियड है कि हम देखते हैं कि मैं खास करके इसलिए ये कर रहा हूँ कि दलित मासेस, दलित समूह, ये आंदोलन के अंदर भी बड़ी संख्या के अंदर, जैसे कि रोहित वेमुला का जो मामला हुआ, तो उसका उसको जिस तरह से वो फैल गया देश के सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के लेवल के ऊपर, बस्तियों के लेवल के ऊपर, ये पहली बार ऐसा हुआ है। और ये दिखा था, या ऊना का जो इशू है गुजरात में, ऐसे किसको संभव ना, क्योंकि ऊना के अंदर मैं खुद गया था जब उन्होंने 15 अगस्त की रैली अरेंज की थी, उस वक्त में था, और मैंने जो माहौल देखा और लोगों के अंदर की एक नई एस्पिरेशन जो देखने को मिली, तो वो दिखाती है कि ऐसा कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि गुजरात के अंदर इतनी बड़ी संख्या के अंदर एक प्रोटेस्ट होगा। तो लोग ऐसे इश्यूज को, और ऊना के अंदर हम देखते हैं कि उन्होंने कैश का एटोरिटी के साथ में कि हमको जमीन भी मिलनी चाहिए, वो भी मुद्दा जिग्नेश मेवाणी और बाकी उनके साथियों ने उठाया था, लैंड का इशू, इकोनॉमिक इश्यूज और एटोरिटी के इश्यूज, ये दोनों इश्यूज उन्होंने उठाए थे, और ये उतना बड़ा आंदोलन हुआ कि वहां के चीफ मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ा। ये इसकी एक रीजन ऊना का आंदोलन भी है। वही हम देखते कि रोहित वेमुला का जो इशू हुआ, तो उस इशू को लेके जिस तरह से पूरे देश के अंदर के दलित हो या नॉन दलित हो, जो स्टूडेंट्स है वो सभी उसके अंदर उतरे, तो ये एक अलग ये है, वो केवल दलित तक सीमित नहीं रहा, ये दलित सब्जेक्ट के बियॉन्ड जाकर ये किया। और मेरे ख्याल से जेएनयू का जो मामला हुआ है, कन्हैया कुमार के अरेस्ट हो या बाकी अलग अलग मामले हुए, उमर खालिद का मुद्दा रहेगा या बाकी अलग अलग लोगों का जो उस वक्त जो एलिगेशन किए गए, तो उसकी शुरुआत मेरे ख्याल से रोहित वेमुला के आंदोलन से ही शुरू हुई। रोहित वेमुला के उसी पीरियड के अंदर दिल्ली के अंदर रैली होने वाली थी, इसके अंदर जेएनयू के स्टूडेंट्स ज्वाइन होने वाले थे, ये सब उसके साथ जुड़ा हुआ था। तो अरे मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये ऊना का इशू हो या रोहित वेमुला का इशू हो या बाकी जिसके अंदर दलित और लेफ्ट मिलकर यूनाइटेड एक्शन, यूनाइटेड स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो स्ट्रगल हमेशा स्टेट के लिए खतरनाक महसूस हुआ है और उसको रिप्रेशन, और ये केवल दलित समुदाय तो दलित समुदाय के साथ में मुस्लिम समुदाय के अंदर भी एक नया एक्सप्रेशन आया है, वो भी रिलीजियस मांगों के अलावा, रिलीजियस इश्यूज को छोड़कर ऐसे इश्यूज के अंदर साथ में आ रहे हैं, और स्ट्रगल के अंदर जमिया मिलिया की स्टूडेंट्स हो या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हो, या अलग अलग तरीके से हम देखते हैं कि इसमें कास्ट क्लास और रिलीजन के बियॉन्ड जाकर ये यूनिटी होते हुए हमको देखने मिलती है, और ये
यही हमेशा रूलिंग पार्टी के लिए, रूलिंग क्लास के लिए खतरनाक शब्द है, ऐसा मेरा एक जो एक प्राइमरी एक ऑब्जर्वेशन है। और मैं उस वक्त बोलने वाला था कि दलित पैंथर ने जो स्लोगन नई स्लोगन आई, तो अभी जो स्लोगन उस वक्त महाराष्ट्र में कुछ लोग दे रहे थे, मगर जय भीम लाल सलाम ये स्लोगन जो आई है, ये मेरे ख्याल से इसी आंदोलन से आई हुई स्लोगन है आज के दौर के अंदर की, तो उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और कुछ सवाल हो गए तो सर, आपने जैसे बताया कि दलित पैंथर्स की जब स्थापना हुई थी तभी भी अलग अलग उसके पहले का जो इतिहास रहा था महाराष्ट्र के अंदर, जो जमीन की लड़ाई हुई थी जहाँ पे लाल साहब गायकवाड़ जैसे महान नेताओं ने नेतृत्व दिया था, उससे उभर के आया। आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर बात करें तो ब्लैक लाइव्स मैटर का मूवमेंट विश्व स्तर पे मीडिया में आया है और लोगों के चेतना में आया है। तो ब्लैक लाइव्स मैटर जिस तरीके से पुलिस एट्रोसिटी को लेके लोगों को संगठित कर रही है और एक स्ट्रक्चर को बदलने के दिशा में एक तरीके का पहल ले रही है, ये अगर 30 साल पहले भी देखे तभी भी ये कोई आम बात नहीं थी। जब ब्लैक पैंथर्स पार्टी के ऊपर भी जिस तरीके से जब उनको मोस्ट वांटेड डिक्लेयर किया गया था, उनके ऊपर तमाम तरीके का रिप्रेशन हुआ था, लेकिन आज ये एक जनता के बीच में एक आम मांग बन चुकी है। सेम समय में इसी लॉकडाउन के अंदर हम ये भी देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो अथॉरिटेरियन रेजिम है वो और ताकतवर बनती जा रही है, और हमारे देश के अंदर ही जिस तरीके से स्टेट रिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, तमाम एक्टिविस्ट को, स्टूडेंट्स, लॉयर, सिविल सोसाइटी के मेंबर हो या जो लोग सीए मूवमेंट में पार्ट लिए हो, एंटी माइनिंग मूवमेंट से पार्टिसिपेट किए हो, लेबर मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया हो, इनके ऊपर एफआईआर लगाए जा रहे हैं, उनको जेल में भरा जा रहा है। क्योंकि आपका एट्रोसिटीज के साथ आपने काम किया है, एट्रोसिटीज में फैक्ट फाइंडिंग किए हैं, क्या आपको इस दौर को लेके कुछ आपकी कोई कॉमेंट्स है, कोई ऑब्जर्वेशन है, और उसका हम किस तरीके से रिस्पॉन्स कर सकते हैं इसको लेकर अगर आपका कोई राय? नहीं, ये तो अभी तो डेमोक्रेटिक राइट्स को तो सप्रेस करने का काम हर सरकार करती आई है, मगर अभी जिस तरीके से, जिस ब्रुटालिटी से पूरा हो रहा है और जिस तरीके से नए नए कानून सीए जैसे और बाकी सब ये कानून ला रहे हैं, और पिछले 1.5-2 साल के अंदर हम देखते हैं अलग अलग बुद्धिजीवियों को, पत्रकार हो, बुद्धिजीवी है, एक्टिविस्ट है, उनको जिस तरह से उनका झूठे इल्जाम में फंसा कर फिर ट्राइबल में काम करने वाले एक्टिविस्ट रहेंगे या सिटीज के अंदर नौजवानों के अंदर काम करने वाले एक्टिविस्ट रहेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता रहेंगे, उनके ऊपर जो दमन चल रहा है, तो अभी तो ये जो फेज है ये सिर्फ अघोषित, जिसको आपातकाल हम कह सकते हैं, जो घोषित आपातकाल नहीं है मगर अघोषित आपातकाल है, और जनवादी अधिकारों के लिए बात करना यही आज गुनाह हो रहा है। अभी तो ऐसा देखने में अभी लेबर के लेवल पर अगर देखेंगे तो इसी पीरियड लॉकडाउन के पीरियड के अंदर ही पूरे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, कुछ राज्यों ने मजदूरों के जो मूलभूत अधिकार है वो अधिकार ही छीनने का काम किया है। तो ये पीछे के दरवाजे से पूरा मजदूरों के हक छीनना, दलितों के हक छीनना, ये सब शुरू हो रहा है, उन्होंने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए, उसको सप्रेस करने का काम हो रहा है। अभी तो क्या बहुत से जगह हर स्टेट के अंदर तो 144 लॉकडाउन की वजह से लगा हुआ है, वो प्रोटेस्ट हो ही नहीं रहा, जो कुछ ऑनलाइन प्रोटेस्ट होता है वही प्रोटेस्ट, उसको हम प्रोटेस्ट कहना हम हमारे लिए मान सकते कि ये प्रोटेस्ट है, मगर ये सही में जो सही प्रोटेस्ट का जो ये है वो अलग ही ये रहता है। तो अभी लॉकडाउन का फायदा उठाकर, लॉकडाउन का ये उठाकर अभी सरकार की ये कोशिश रही है कि सभी लोगों के जो रोजमर्रा के सवाल को लेकर जो संघर्ष होते थे, मजदूरों के संघर्ष हो, किसानों के संघर्ष हो, आदिवासियों के संघर्ष हो, नौजवानों के, विद्यार्थियों के संघर्ष हो, उस संघर्ष को दबाने का अलग अलग तरीके से हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसा ही ये दौर के बारे में एक अगर कहेंगे तो एक मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, क्योंकि अभी हम प्रोटेस्ट कहीं, मैं एक अभी जो तुमने जिक्र किया कि जॉर्ज फ्लॉयड को लेके जिस तरह से यूएस के अंदर
वहां भी ये है, मगर वहां जिस तरह से लोग रास्ते पे उतरे और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां भी लॉकडाउन है, वहां भी पूरा ये है, मगर उसके बावजूद जब कोई अत्याचार की घटना होती है, कोई रिप्रेशन होता है, तो उसका विरोध प्रोटेस्ट जिस तरह से यूएस के अंदर हो, यूरोप के अंदर लोग कर रहे हैं, वो हमको यहाँ देखने को नहीं मिल रही है, दुख की बात है। और हमको खासकर दलित मामले को लेकर अगर देखेंगे तो वहां के वर्णभेद के विरोध में जो नॉन ब्लैक है वो भी रास्ते पे आ रहे हैं, और मगर यहाँ हमको वो उतने पैमाने पे दिख नहीं रहा है। ये हमको कास्टिज्म का जो मुद्दा है, जाति व्यवस्था का मुद्दा है, बहुत अहम मुद्दा है, और उसको हमको समझ कर लेने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ अभी भी एट्रोसिटीज हो रही है, महाराष्ट्र में हो, देश के अलग अलग, जैसे तुमने शुरुआत में जिक्र किया, तमिलनाडु के अंदर हो, बाकी उत्तर प्रदेश में हो, या अलग अलग जगह गुजरात के अंदर भी हो रही है, तो उसका प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, ये दुख की बात है। आपने जो प्रेजेंटेशन में जो बात रखी, और इधर ही हम आज के लिए खत्म करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन काफी देर से हम और शायद बीच में बंद होने की वजह से, हाँ तो वो भी संभावना है, लेकिन आज का प्रेजेंटेशन तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा। आपने जो हिस्ट्री बताया वो हमारे लिए भी बहुत इंस्पायरिंग एक हिस्ट्री है, पर्टिकुलरली आपने जिस तरीके से बताया क्या पोटेंशियल भी है आज, जैसे आपने बताया लेफ्ट और एंटीकास्ट मूवमेंट का साथ आने में जिस तरीके से एक टाइप का पोटेंशियल बनता है, और आपने जो चैलेंजेस भी बताए वो हम सबके लिए, जैसे लॉकडाउन के वजह से जिस टाइप का यूनिटी नहीं बन पाया है या जिस टाइप का प्रोटेस्ट नहीं कर पाया है अलग अलग इम्पोर्टेंट इश्यूज पर, इसको ये कॉन्वर्सेशन को हम आगे भी ऑनलाइन ऑफलाइन चलाते रहेंगे। आज दलित पैंथर फाउंडेशन डे याद करते हुए कनेक्टर्स की तरफ से हमारा ये कोशिश था कि यही इतिहास को सभी साथियों के साथ हम साझा करें। नरेश सुबोध मोरे को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना आज समय दे पाए। आपको भी सबको जय भीम लाल सलाम। ओके ओके। हाँ ओके।